हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर अभी तक मैं आपको अध्याय एक और अध्याय दो से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, कॉन्सेप्ट बनते थे, सारी चीजों को मैंने अच्छे से आपको क्लियर करा दी थी। आज की इस क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। देख लीजिए, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू डिस्कशन करता हूं आपके कक्षा दसवीं विषय गणित को। और आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो क्या है, अध्याय तीन, एक चर का द्विघात समीकरण, और ये होने वाला है भाग एक। भाग एक में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपको एक नंबर के लिए देखने के लिए मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसके जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उन सारी चीजों को आज मैं क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आ जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है बिल्कुल, और एक एक चीजों को जो मैं लिखवाने वाला हूं, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर एक चीजों को एकदम बारीकी से नोट करते हुए चलना और पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, देखिए, तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन में आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो बेसिक होने वाला है, जो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। उन चीजों के बारे में पहले मैं आपको बता देने वाला हूं। आ जाओ देखो, तो यहां पर मैं एक समीकरण लिखने वाला हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस समीकरण को हम कहते हैं मानक वर्ग समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? मानक वर्ग समीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिल सकता है कि इनमें से कौन सा मानक वर्ग समीकरण है। तो आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्या है? एक मानक वर्ग समीकरण है। इस समीकरण को आपको याद रखना है आगे के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी मानक वर्ग समीकरण का बहुत ज्यादा हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो क्लियर है। देखिए, एक क्वेश्चन और आपको देखने के लिए मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। आपको कोई वर्ग समीकरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि दिए गए वर्ग समीकरण के कितने मूल होंगे या फिर अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो आपको याद रखना बच्चों कि द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं, दो से ज्यादा मूल नहीं हो सकते। मतलब कि उस द्विघात समीकरण के आपको हमेशा दो उत्तर प्राप्त होंगे, दो हल प्राप्त होंगे। तो अगर मूल पूछ लेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो आपको बताना है कि दो मूल होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात भी क्लियर है। एक बात और पूछ लेता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चार समीकरण दे दिए जाते हैं। उन चारों समीकरण में पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का एकदम सरल तरीका क्या होता है? जो समीकरण आपको दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इस मानक वर्ग समीकरण के रूप में होना चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि समीकरण में पहली बात तो दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर जो भी समीकरण दिया जाता है ना, उसमें चर की अधिकतम घात दो होनी चाहिए। हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात मतलब कि दो, तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, तीन या फिर एक नहीं, दो ही होनी चाहिए। ठीक है, यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या कि जो भी आपको समीकरण देते हैं ना, उसका बाएं पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एक बहुपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? बहुपद होना चाहिए। अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, इसी समीकरण के बारे में बात करूं, तो इसका जो बायां पक्ष है ना, वो एक बहुपद होगा। आइए चेक करते हैं। देखो, बहुपद चेक करने, मैंने आपको बहुपद वाले क्लास में ही बता दिया था कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां पर हमें दिख रहा है एक से क्या है? चर है। एक से क्या? बिल्कुल चर है सर। चर की घात में यहां पर मुझे दिखा दो, दो क्या है? एक पूर्ण संख्या। यहां तक की बात क्लियर है सर। फिर यहां पर फिर से हमें दिखा चर, और चर की घात में क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, एक भी पूर्ण संख्या है। अतः दिए गए समीकरण क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कि चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है। दूसरा क्या? इस समीकरण का बाया पक्ष एक बहुपद है। बिल्कुल सर है। तो दिया गया मानक वर्ग समीकरण यह है हमारा। इन चीजों को आपको याद रख लेना बिल्कुल। चलिए, कुछ चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के हमेशा आपको दो मूल मिलते हैं। कितने? दो मूल मिलते हैं, दो उत्तर आपको प्राप्त होते हैं। तो मूलों से संबंधित मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, आ जाओ।
तो मूलों की प्रकृति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति को पहचानने का तीन आपको कंडीशन याद रखने होंगे। कितने? तीन कंडीशन याद रखने होंगे। पहले नंबर में कंडीशन लिखने जा रहा हूं, देखो, यदि यदि डी का मान जो है वो शून्य से छोटा हो जाए या फिर डी का मान जो है वो ऋणात्मक हो जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा ना, डी का मान जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा कौन सी संख्या आएंगी? ऋणात्मक वाली ही संख्या आएंगी ना। तो डी का मान जो है वो शून्य से छोटा या फिर ऋणात्मक हो जाए तो मूल जो है, तो मूल जो है काल्पनिक काल्पनिक एवं एवं असमान होते हैं। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाता है कि यदि डी का मान जो है वो शून्य से छोटा या फिर ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक एवं असमान होंगे, पहली कंडीशन। दूसरे कंडीशन पे आ जाओ, देखो तो दूसरे नंबर का हमारा कंडीशन क्या बनेगा, यदि यदि डी का मान जो है वो शून्य के बराबर आ जाए, यदि d का मान जो है शून्य के बराबर आ जाए तो मूल जो है वो वास्तविक होंगे साथ ही साथ समान भी होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये लाइन भी क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर d का मान जो है शून्य के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये बात भी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल। इसके तीसरे नंबर में कंडीशन के बारे में बात करूं तो तीसरा नंबर कंडीशन क्या होता है, देखो यदि D बड़ा है जीरो से, यदि D का मान जो है वो जीरो से बड़ा आ जाए मतलब कि धनात्मक में आ जाए, D का मान जीरो से मतलब कि क्या होगा, जीरो से बड़ा क्या आएगा, धनात्मक वाली संख्या तो आएंगी ना। यदि D का मान जो है वो जीरो से बड़ा या फिर धनात्मक है तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, मूल वास्तविक होंगे लेकिन उनका समान नहीं, उनका समान होना जरूरी नहीं है, मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, मूल वास्तविक एवं असमान असमान होते हैं। तो मूलों से संबंधित ये तीन कंडीशन आपको याद रखना। पहला नंबर कंडीशन क्या कहता है, डी का मान यदि शून्य से छोटा या फिर ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं। दूसरा नंबर हमने कंडीशन क्या देखा है, यदि डी का मान जीरो के बराबर आ जाते हैं तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। तीसरे नंबर के कंडीशन में हमने क्या देखा हुआ है कि डी का मान जो है वो शून्य से बड़ा या फिर धनात्मक में आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होते हैं। अब डी का मान निकालते कैसे है, डी को बच्चों हम लोग बोलते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं? विभेदक बोलते हैं, जिसे हम विविक्तकर भी बोलते हैं। तो डी का मान हम निकालेंगे कैसे, देखो डी निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो दिए गए समीकरण का हम विभेदक कैसे याद करते हैं, तो विभेदक के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। डी हम निकालते कैसे है, विभेदक बराबर, विभेदक डी बराबर, विभेदक को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कैसे निकालते हैं बच्चों, डी का मान निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल यहां तक की सर कहानी अच्छे से क्लियर है हमको, ठीक है। तो जो जो मैंने अभी इस लाइन में आपको नोट डाउन करवाया है इसको अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लेना, ठीक है सर। आ जाओ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आगे के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करने वाली। देखो हमने देख लिया है कि मूलों का प्रकृति के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब मूलों का हम योगफल कैसे निकालेंगे, कुछ याद आया बच्चों? इसके बारे में मैंने आपको अध्याय एक बहुपद पर भी चर्चा किया हुआ था, इस फॉर्मूले को लिखवाया हुआ था कि मूलों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम इसको निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए। कैसे निकालते हैं? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फिर हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल, क्या दिक्कत है, मूलों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। मूलों का गुणनफल देखिए, अब हम मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा, मैं योगफल लिख रहा हूं तो अल्फा प्लस बीटा लिखा, अब मुझे यहां पर निकालना है गुणनफल, तो मैं इनटू का चिन्ह लगाया, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू ये होता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला बिल्कुल बच्चों आपको याद रख लेना है, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल से संबंधित मैंने आपको दो सूत्र दो फॉर्मूले अच्छे से लिखा दिए है। तो मैंने अभी तक जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी आपके फॉर्मूला आने वाले हैं, आगे हम यूज करने वाले हैं, सारी चीजों को मैंने यहां पर अच्छे से क्लियर करा दिया। इतने ही चीजों को आपको इस अध्याय में जानना है और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल। चलिए
अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक ए बोलता है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे, और मूलों की प्रकृति के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधा सीधा यहां पर हम मूलों की प्रकृति को चेक करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं। अभी फिलहाल एक नंबर के लिए पूछा गया है, तो इसको हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो देखो, तो मैं क्या करूंगा पता है, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करूंगा, और हमारा मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर। मैंने क्या बोल दिया कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर। आ जाइए, कर लेते हैं। देखो, तो पहले नंबर के पद में यहां पर देखता हूं, यहां पर आपका पहले नंबर का पद ये दिया गया, पूरा जो फोकस है वो आपका मानक वर्ग समीकरण और दिए गए वर्ग समीकरण पर होना चाहिए, बिल्कुल सर है। यहां का एक्स स्क्वायर यहां का एक्स स्क्वायर निपट गया, तो ए बराबर हमें मिल चुका 4, ए बराबर क्या मिल चुका, 4 मिल चुका, बिल्कुल सर। दूसरे वाले पद में आते हैं, तो यहां पर बी एक्स दिख रहा है, यहां पर केवल और केवल आपको दिख रहा होगा ऋण एक्स। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि x का गुणांक क्या है, तो गुणांक में आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि एक है, क्या बच्चों, एक है। तो ये x और ये x निपट गया, तो b बराबर हमें क्या मिलेगा, चिन्ह के साथ आपको बोलना है ऋण एक है, क्या है, ऋण एक है, धन एक कोई नहीं बोलेगा, चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है सर, बिल्कुल। फिर आगे बढ़ेंगे, सी की जगह यहां पर मुझे दिख रहा है एक, तो वही आपका सी का मान हो जाएगा, सी बराबर हो चुका एक, सी बराबर क्या मिल चुका, एक मिल चुका। तो हमें अभी तक क्या क्या मिल चुका, ए बी सी का मान मिल चुका, हम निकाल रहे हैं मूलों की प्रकृति, यानी कि डी का मान निकाल रहे हैं। तो डी बराबर हम कैसे निकालते हैं, ये निकलता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ऋण एक, तो ऋण एक की घात में लग गया ये दो, माइनस फोर, ए की वैल्यू यहां पर दिख रहा मुझे चार, और सी की वैल्यू मुझे यहां पर दिख रहा एक, सब मानों को मैंने रख दिया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक का वर्ग करेंगे, एक का 1000 बार गुणा करो, दो बार गुणा करो, कितने बार भी गुणा करो, एक ही आएगा, यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन यहां पर ऋण की घात में आपको दिख रहा दो, जब भी ऋण की घात में आपको सम संख्या दिखे तो आपका जो उत्तर है वो धनात्मक में मिलेगा, तो इसका मान तो आ गया धन में और धन एक आएगा, बिल्कुल आ गया। अब यहां पर ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह हो जाएगा, चार का गुणा करेंगे चार से, तो ये हो जाएगा चार चौक 16, इसको हल करेंगे तो 16 में हम एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15, 16 जो है वो एक से बड़ी संख्या है और 16 के सामने में ऋण का चिन्ह है, तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा। तो डी बराबर हमें मिल चुका है ऋण 15, डी बराबर क्या मिल चुका बच्चों, ऋण 15 मिल चुका है। और मैंने आपको तीन कंडीशन बताई हुई थी, पहला नंबर का कंडीशन क्या था हमारा, यदि डी का मान शून्य से छोटा हो जाए या फिर ऋणात्मक में आ जाए, डी का मान देखिए यहां पर क्या आया है, ऋणात्मक में आया है, तब के केस में हम कहते हैं कि मूल जो होते हैं वो काल्पनिक व असमान होते हैं। अब देखते हैं अपने ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा, काल्पनिक, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह रहा हमारा खूबसूरत सा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक दो क्या बोलता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के विभेदक का मान होगा। भाई विभेदक निकालने के लिए पूछ लिया गया, विभेदक अभी तो निकाले थे विभेदक हमने, उसी प्रकार से फिर से इसको निकालेंगे, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हम करते हैं मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, बिल्कुल सर, इसे तुलना कर देंगे। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि एक है, गुणांक एक को हम लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर और यहां का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हमें मिला एक। फिर दूसरे वाले पद में आते तो यहां का एक्स और यहां का एक्स कैंसिल हो गया, बी की जगह यहां पर मुझे दिख चुका ऋण चार, क्या है, माइनस फोर है, ठीक है। सी की जगह यहां पर मुझे दिख रहा है चार, वही हमारा सी का मान हो जाएगा, सी का मान आ चुका चार। हमें पूछा क्या है, विभेदक, विभेदक निकालना, बच्चों वाला खेला है, बच्चों वाला खेला है, आ जाओ। अतः विभेदक, अतः विभेदक, अतः विभेदक
विभेदक को ही हम विव्यक्तकर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अतः विभेदक d बराबर, अब इसको कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू क्या है, ऋण 4 की घात में मैंने लगाया 2 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 4 है, ऋण के घात में है सम संख्या, तो उत्तर तो आएगा धन में 4 की घात 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ऋण है तो यहां पर ऋण लग गया, 4 का गुणा 1 से 4 कम 4, 4 का गुणा 4 से 4 चौक 16, ये 16 कैंसिल हो गया तो d बराबर हमें मिल चुका है 0, d बराबर 0 मतलब कि विभेदक का मान हमें मिल चुका है 0, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका 0 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सा आपका सही जवाब हो जाएगा कि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक क्या है, 0 है 0 है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो जो जो मैंने आपको बोलकर बताया है ना उस चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप दिए गए समीकरण को उतारोगे, फिर क्या लिखोगे, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण इससे करने पर, फिर एबीसी का मान निकालोगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर दोगे, तो 2 नंबर के लिए भी इसको सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आ जाओ देखो। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, द्विघात समीकरण हमें एक दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल पूछ लिया गया है, मैं ऑलरेडी इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सर। देखो तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, 2 नंबर के लिए भी दिया जा सकता है। तो पहला स्टेप आपका क्या करेंगे, दिया है समीकरण लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करेंगे। यहां से हमें अच्छे से ए बी सी का मान मिल जाता है, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक ही जगह यहां पर मुझे दिख रहा है 6 और ए बराबर मैंने लिख दिया 6। बिल्कुल दूसरे वाले पद में आते हैं तो यहां पर एक से दिख रहा है, यहां पर एक से दिख रहा है, दोनों कैंसल, बी की जगह यहां पर ऋण 6 दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा बी बराबर माइनस 6, सी की जगह यहां पर दिख रहा है 6 तो सी बराबर ये हो चुका 6। ठीक है, ए बी सी का मान हमने निकाल लिया, पूछा क्या है योगफल, योगफल पूछा गया है, आ जाओ योगफल, अतः योगफल बराबर, अब योगफल हम निकालते कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस का मैंने पहले चिन्ह लगाया, बी का मान क्या है ऋण 6 मैंने लिखा, ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो ऋण और ऋण का दोनों का गुणा होगा, तो ये बदल जाएगा धन में, धन को लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में बच गया 6 और नीचे में आ गया 6, 6 और 6 निपट गया तो हमें क्या मिला 1 मिला, तो दिए गए वर्ग समीकरण में मूलों का योगफल क्या मिला 1 मिला। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर अ आपका सही जवाब हो जाएगा, अ में क्या है 1 है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। इसी जगह इसी समीकरण को पूछ लेता है, अगर योगफल न देकर यहां पर गुणनफल कर दे तो दिक्कत क्या है, नहीं दिक्कत क्या है, आ जाओ नहीं पूछा फिर भी निकाल लेंगे इसको, गुणनफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू चिपका दो 6 है और ए की वैल्यू भी 6 है, 6 से 6 निपट गया तो ए सी अपॉन ए, यानी कि गुणनफल हमें क्या मिल चुका 1 मिल चुका, योगफल का मान भी 1 आया और गुणनफल का मान भी 1 आया, तो योगफल पूछे तो योगफल बता देंगे, गुणनफल पूछेगा तो हम गुणनफल बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, आगे ना क्वेश्चन आगे ना, मैं बताया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि पहचानना रहेगा कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है कि नहीं, और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए और सेट बी और सेट सी तीनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तीनों क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, हम इसके कंसेप्ट को सीखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है, अगर आपको पहचानना है कि दिए गए समीकरण में से कौन सा वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो सबसे पहले नंबर की मैं ऑप्शन पर बात करूंगा, ऑप्शन नंबर अ को मैं यहां पर उतारना चाहूंगा, एक से प्लस वन अपॉन एक से इज इक्वल टू 2, अब ये एक वर्ग समीकरण है कि नहीं यहां से मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। देखो
एक से का गुणा मैं कर देता हूं एक से, तो ये हो जाएगा एक से स्क्वायर, ये प्लस वन अपनी जगह पर लिखा जाएगा। इसी एक से का गुणा मैं कर रहा हूं दो के साथ त्रिया गुणा, तो ये हो जाएगा दो एक्स, बिल्कुल दो एक्स हो गया। इसको इस तरह पक्षांतर कर लेते ना, तो ये हो जाएगा एक से स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बराबर के बाद क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब देखो इसको पहचानना हमारे लिए सरल हो गया कि एक वर्ग समीकरण बनेगा कि नहीं। पहला आपको क्या करना है, चर की घात को देखना है, अधिकतम घात दो होनी चाहिए। यहां पर है चर एक से, अधिकतम घात दिख रहा है दो, ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरे कंडीशन में क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। तो बहुपद के लिए क्या कंडीशन की चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर की घात है दो, दो एक पूर्ण संख्या, बिल्कुल सर पूर्ण संख्या है। यहां पर आते हैं x की घात में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि एक है, एक भी क्या है पूर्ण संख्या है, अतः दिया गया जो समीकरण है वह क्या बन जाएगा, वर्ग समीकरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ क्या है, एक वर्ग समीकरण है, तो ये हमारा उत्तर तो नहीं होगा। हमें पूछा क्या है, समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है, ये हमें पहचानना, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर अ ये आपका वर्ग समीकरण तो है। अब आते हैं अपने दूसरे वाले ऑप्शन पर, आ जाओ। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन हमें दिया गया एक से स्क्वायर प्लस सेवन अंडर रूट एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर, बिल्कुल। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर चर, चर के घात देखेंगे, अधिकतम घात को देखेंगे, तो अधिकतम घात यहां पर दिख रहा है दो, ठीक है, ये पहली कंडीशन, तो ठीक है सर, बिल्कुल। दूसरे वाले पद में आते हैं, यहां पर दो दिख रहा है मुझे, सेवन अंडर रूट एक्स, क्या दिख रहा है बच्चों, सेवन अंडर रूट एक्स दिख रहा है। तो अगर मैं अंडर रूट एक्स के बारे में बात करूं तो एक्स के घात को मैं यहां पर लिख सकता हूं एक बटा दो, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, एक बटा दो, घात पर लिखते हैं। अब एक बटा दो जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दिया गया जो समीकरण है वह एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। कंडीशन क्या लगा, तो कंडीशन यह है, क्या इसकी शर्त हो जाएगी कि दिए गए समीकरण में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि दिए गए समीकरण का बायां पक्ष बहुपद नहीं है, और बहुपद होना अनिवार्य होता है किसी भी वर्ग समीकरण को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा कि दिए गए समीकरण जो है वह एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। तो बाकी नीचे के दो ऑप्शन को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे चेक करना है, तो बिल्कुल आप इसको देखकर चेक कर सकते हो कि दिया गया जो समीकरण है वह वर्ग समीकरण बनेगा कि नहीं, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर आपका ब सही उत्तर बता दिया, आ जाओ, बिल्कुल। अब हम बात करने वाले हैं अपने प्रश्न क्रमांक पांच पर, ठीक है। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए, ठीक है। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन होता है, आपको बच्चों बार बार बोलता हूं, वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट नंबर में रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पर आपको चार ऑप्शन भी दिए जाते हैं। दूसरे नंबर में होता है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, और तीसरे नंबर में होता है सही जोड़ी मिलाइए, या फिर बोल दिया जाता है सत्य या फिर असत्य बताइए। तो वह उसी टाइप का क्वेश्चन है, सत्य या फिर असत्य हमें बताना है। हमें यहां पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक से स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, में एक से का मान शून्य तथा आठ होगा, ठीक है। अब जो एक से का मान यहां पर निकाला गया शून्य तथा आठ, ये होगा कि नहीं होगा ये हमें बताना है, बिल्कुल बता देंगे। देखो तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, मैंने यहां पर लिखा है, तो सबसे पहले मुझे समीकरण जो दिया गया उसको मैंने उतार लिया, एक से स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, इसको इस साइड पक्षांतर कर लेते ना, तो ये हो जाएगा एक से स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये अभी प्लस में था, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एट एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। यहां पर मुझे एक से दिख रहा है, यहां पर ही मुझे एक से दिख रहा है, मैं दोनों जगह से एक से को कॉमन निकालने को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर एक से की घात दो था, एक एक से को कॉमन निकाला तो अभी भी एक एक से बचा हुआ है, लिख दिए उसको माइनस है तो माइनस चिन्ह, एक से को हमने ऑलरेडी यहां पर कॉमन निकाल लिया है, तो केवल और केवल मुझे दिख रहा है ऋण आठ, बराबर ये हो चुका जीरो, ठीक है सर, बिल्कुल। अब जो बराबर के बाद जो जीरो लिखा हुआ है ना, वो एक से का भी है और एक से माइनस एट का भी है, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक से इज इक्वल टू जीरो व एक से माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। चलिए एक से बराबर जीरो को कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एक से माइनस एट को हम पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस एट। तो एक से के हमें दो मान मिल चुके, शून्य व आठ, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, हमें दो हल प्राप्त हुए, शून्य और आठ, और
यहाँ पर बोला क्या गया था, एक्स का मान शून्य तथा आठ होगा, और एक्स का मान हमने क्या निकाल लिया, शून्य और आठ निकाल लिए हैं। अतः दिया गया जो कथन है, जो समीकरण है, वो एक्स के मान के लिए बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। तो दिया गया जो कथन है सत्य है, इस तरह से आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन है क्या? देखिए नहीं है, बस। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे बात करूं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, तो पांच ही प्रकार के बच्चे बनते हैं क्वेश्चन। इन पांच प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, इतना बोल सकता हूं कि इसी टाइप के ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके, बस आपके जब समीकरण को बदल दिए जाएंगे, डेटा को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका, उसको हल करने का तरीका एज इट इज रहेगा, जो मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है बच्चों, अगर कई बच्चों को लगता होगा कि सर आपने थोड़ा सा स्पीड पढ़ाया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आया हूं। हम हर एक चीज को एकदम डीपली नहीं पढ़ सकते। अगर मैं मैथ्स को एकदम डीपली पढ़ा दिया, तो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कब करोगे? नहीं, कब करोगे बताओ ना। तो ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, तो हम इसको बेसिक को एकदम ज्यादा नहीं जाएंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे। हम सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज, आपने साल भर तो पढ़ा हुआ है ना भाई, साल भर तो पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक क्लियर, ये मैं मानकर चलूंगा। थोड़ा सा स्पीड पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारा बेसिक एकदम कमजोर है, उसको स्ट्रांग कर दीजिए ना करके। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारे एप्लीकेशन पर आए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। प्ले स्टोर में जाएंगे, अभिप्सा को सर्च करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आप जाएंगे तो आपको कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जितने भी आपके अध्याय हैं, उन सारे अध्यायों को मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, जाकर उसको आप पढ़ सकते हैं। एकदम डीपली पढ़ाया हुआ है, आपका बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। मैं आपको आज पार्ट वन के बारे में पढ़ा दिया हूं, इसका पार्ट टू आएगा, जहां पर मैं डिस्कशन करूंगा दो नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो आज जो मैंने पढ़ाया, उसको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है और अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।